बॉडी फ्लूड्स एंड सर्कुलेशन, इसके अंदर हम लोग टॉपिक कर चुके हैं पूरा पूरा। बॉडी फ्लूड में मैंने आपको टाइप बताए थे दो, एक ब्लड और एक टिश्यू फ्लूड, और दूसरा आप सर्कुलेशन में सिंगल डबल, उसके अलावा जो है आर्टेरियल हर्ट कौन सा है, वेनस हर्ट कौन सा है, ये सारा हम लोगों ने पढ़ा। फिलहाल अगर बात करते हैं आप बॉडी फ्लूड्स में, मेनली ब्लड के टॉपिक की अगर बात की जाए तो इसके अंदर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था कितना अमाउंट प्रेजेंट होता है किसी ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन बीइंग में मेनली, उसके अलावा क्या क्या इसके अंदर रेशियो होता है। तो बताया गया था कि ब्लड जो अपने आप में 100% है उसका 100% है इसके अंदर उसका कुछ 55% जो है, बताया था मैंने ब्लड प्लाज्मा, और इसका सिर्फ 45% ब्लड का ब्लड सेल्स हैं। इन्हें कई नाम से बोला जाता है, ब्लड कॉर्पसल्स या फिर इनका एक नाम और है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये आप इसके अंदर इसको क्लासिफाई जो करते हैं तब की बात ये बोल दी जाती है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है जो हमें ध्यान रखनी है, वो ये कि ब्लड के अंदर मेनली इसकी बात की जाएगी, ब्लड प्लाज्मा की। तो ब्लड प्लाज्मा में हम लोगों ने चीज क्या पढ़ी है कि ब्लड प्लाज्मा का 90 से 92% वाटर होगा, इसका जो है 6 to 8% प्रोटीन्स होंगे, और इसका जो है 2 to 3% बताया था मैंने आपको मिनरल्स होंगे। जो ब्लड प्लाज्मा है इसका इतना इतना परसेंटेज आप डेफिनेटली बोल देते हैं। अभी यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या कि आप इसके अंदर जो पूरा ब्लड प्लाज्मा का टॉपिक है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखो वाटर तो आप जानते ही हैं वाटर क्या होता है, तो हमारे लिए पहले इंपॉर्टेंट है ये प्रोटीन्स, और ये 2 से 3% जो मिनरल्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। तो लेट मी टॉक अबाउट ब्लड प्लाज्मा। तो यहां बात की जा रही है ब्लड प्लाज्मा की। इसके अंदर बोला गया सिंपली 6 to 8% प्रोटीन्स हैं। अब ये 6 to 8% प्रोटीन्स हैं कौन से, तो आपको बता दूं मैं पहली बात तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी आज इन द नीड, आज इन द नीट, ये आपको टॉपिक पूछा जा चुका है। तो इसमें तीन प्रोटीन्स हैं इंपॉर्टेंट, एक होता है फिब्रिनोजेन प्रोटीन का नाम है, दूसरा प्रोटीन होता है जिसे बोल देते हैं एल्बुमिन, ये प्रोटीन है, तीसरा प्रोटीन होता है उसे नाम बुलाते हैं आप ग्लोबुलिन या ग्लोबिन प्रोटीन, फिब्रिनोजेन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन या ग्लोबिन प्रोटीन, ये तीन होते हैं। मैं बड़ा रफली अगर इसको डिफाइन कर दूं तो आपको मिलेगा इसमें फिब्रिनोजेन, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है,
आप छोटी सी बात जानते हैं ब्लड का क्लोट होना या ब्लड क्लोटिंग, तो ये ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन, ये ब्लड को क्लोट कराने वाला प्रोटीन है। आपको बता दूं, ये प्रोटीन की बात बोली जा रही है जो ब्लड को क्लोट करवाएगा। अगर कभी आपसे एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि चलो ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन बताओ, तो आपने चलो बता दिया, फिर आपको क्वेश्चन आया कि आप बताइए कि ऐसा कोई विटामिन जो ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है, क्लोटिंग में हेल्प करता है, तो ये भी ध्यान रखें, ब्लड क्लोटिंग या कोगुलेशन, आप कोगुलेशन लिखें या ब्लड क्लोटिंग, इसके लिए एक विटामिन भी होता है, उस विटामिन को आप बुलाते हैं विटामिन के, विटामिन के नाम से बोला जाता है। और यहां पर आप छोटी सी बात ध्यान रख सकते हैं, विटामिन के को बायोलॉजिकली नाम बोला जाता है फाइलो क्विनोन, फाइलो क्विनोन के नाम से बोल दिया जाता है। उसके बाद तो ये ब्लड क्लोटिंग में काम करता है, किस तरह से होती है क्लोटिंग वो आप इसको पढ़ेंगे, रफली इसके बारे में पढ़ा जाएगा कि किस तरह रोल प्ले करता है ब्लड क्लोटिंग में, और उसमें प्लेटलेट्स का क्या रोल है, तब प्लेटलेट्स के दौरान इसका रोल पढ़ेंगे ढंग से कि फिब्रिनोजन आखिर किस तरह से क्लोटिंग करता है। फिलहाल इतना ध्यान रखना जरूरी कि इसे आप ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन बोल देते हैं। उसके बाद एल्बुमिन प्रोटीन, इसका क्या रोल है, आप एक छोटी सी प्रोसेस जानते हैं जिसे बुला देते हैं ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, सिंपली आप बोल रहे हैं ऑस्मो रेगुलेशन के नाम से। ऑस्मो रेगुलेशन आई थिंक आपको पता होगा, आपकी बॉडी में वाटर और मिनरल्स के बैलेंस को मेंटेन करना। जैसे आप जानते हैं कि 70% वाटर होगा, कुछ परसेंट सोडियम आयन का, कुछ इसका, तो ये सारा आपकी बॉडी में जो वाटर और मिनरल्स का बैलेंस मेंटेन करेगा, तो उसके लिए जो स्पेशली प्रोटीन नीड है वो कौन है, एल्बुमिन प्रोटीन। क्या करता है ये, फॉर मेंटेनिंग वाटर एंड आयन बैलेंस ऑफ बॉडी, तो इसीलिए आप इसे क्या बुलाएंगे, ऑस्मोरेगुलेशन प्रोटीन। तो सेकंड आपका ऑस्मोरेगुलेशन के लिए जो प्रोटीन नीड है उसकी बात बोल दी जा रही है। तो पहला वाला तो मैं बोल रहा हूं कौन सा प्रोटीन, पहला वाला प्रोटीन जो क्लोटिंग का काम करेगा, दूसरा वाला प्रोटीन कौन जो ऑस्मोरेगुलेशन का रोल प्ले करेगा, एंड लास्ट प्रोटीन दैट इज नोन एज ग्लोबुलिन प्रोटीन। नाम बिल्कुल इसका काफी क्लियर, जो लास्ट और फाइनल प्रोटीन है जिसे आप ग्लोबुलिन प्रोटीन बोल रहे हैं, ये ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या काम करता है, तो बिल्कुल मैं यहां लिख दूं कि ग्लोबुलिन प्रोटीन जो कि ब्लड प्लाज्मा का प्रोटीन है, इसे ग्लोबिन भी लिखा होगा तो कंफ्यूज मत करिएगा। तो ये प्रोटीन थर्ड, इसका सिंपल रोल क्या, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज होती हैं। क्या है एंटीबॉडीज, जो डिफेंस करती हैं फॉरेन एजेंट से, उन प्रोटीन को आप एंटीबॉडीज बोल से, उनको बनाने के लिए स्पेशलाइज सेल होती है, उन्हें बुलाते हैं बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट, जो कि एक टाइप है WBCs का। तो वो जो एंटीबॉडी होती हैं वो जिन प्रोटीन से बनती है उन्हें बोल देते हैं ग्लोबुलिन प्रोटीन, इसीलिए उन एंटीबॉडी को नाम बुलाया जाता है ग्लोबुलिन, इम्यूनो ग्लोबुलिन, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी। तो बिल्कुल सिंपली क्या बोला जा रहा है इसके अंदर कि आप जो है अगर ग्लोबुलिन प्रोटीन की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे लिया जा रहा है, ग्लोबुलिन प्रोटीन बिल्कुल रफली कैसे लेंगे, इनको आप रेस्पॉन्सिबल हैं ये
रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज या एंटीबॉडीज इन्हीं की बनी होती हैं, इसीलिए एंटीबॉडीज को नाम बुलाते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, शॉर्ट फॉर्म में इसको आईजी करके लिख दिया जाता है और इसको एबी करके लिख दिया जाता है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन की बात बोली जा रही है इसके अंदर, शॉर्ट फॉर्म में आप इसे इस बात से बुलाते हैं। और जो ये एंटीबॉडीज हैं, व्हाट आर देयर रोल, दीज आर फॉर डिफेंस फ्रॉम एंटीजन और फॉरेन एजेंट। जो आपकी बॉडी में बाहर से आने वाले अनवांटेड ऑर्गेनिज्म होंगे उनसे डिफेंड करने के लिए कौन सा प्रोटीन बनता है हमारी बॉडी में, एंटीबॉडीज फॉर डिफेंस फ्रॉम फॉरेन एजेंट्स। और क्या बुलाते हैं फॉरेन एजेंट्स को, एंटीजेंस। और डिफेंस कर रहा है तो डेफिनेटली इम्यूनोग्लोबुलिन, क्यों, बिकॉज प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द पर्सन, पर्सन को इम्यूनिटी देने का काम करेगा, ये बेसिकली इसका रोल। कहां से बनता है बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सिंथेसाइज कौन करता है, बी सेल्स सिंथेसाइज्ड बाय बी सेल्स, इन्हें आप बी लिम्फोसाइट बोल देते हैं। किसका टाइप है, अ टाइप ऑफ WBCs। तो ये तीन प्रोटीन है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। कई बार इनका जो है मैच करने के लिए आ जाता है, जब लास्ट बार इसमें क्वेश्चन पूछा गया है नीट में तो आपको बोला गया है, प्रोटीन लिख दिया गया और सामने उसका वर्क, और आपसे मैच करने के लिए ये बुलाया गया है। तो आप इसको जरा ध्यान रखिएगा। और एक बात और बता दूं मैं, जो इम्यूनोग्लोबुलिन जो होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन वो स्पेशलाइज टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन है, गामा ग्लोबुलिन इन प्रोटीन्स के बने होते हैं, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन्स के बने होंगे। तो ये आप क्या बोल रहे हैं, ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन। क्या क्या है इसमें, एक तो आपका ग्लोबुलिन है जो एंटीबॉडी बनाएगा, डिफेंस करेगा, दूसरा आपका एल्बुमिन है जो ऑस्मो रेगुलेशन करेगा, आपकी बॉडी में वाटर और मिनरल्स के बैलेंस को मेंटेन करेगा, और तीसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट है फिब्रिनोजन, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड। तो ये तीन टाइप के कौन है, ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स है। दैट इज अबाउट ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स। Body fluids and circulation, ये टॉपिक था। इसके अंदर आप प्लाज्मा में दो टॉपिक या तीन प्रोटीन के नाम हो चुके, क्या है, ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स, तीनों पढ़े हमने, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन, ये तीनों बेसिकली आपने प्रोटीन पढ़े इसके अंदर इंपॉर्टेंट। उसके बाद ब्लड प्लाज्मा में आगे जो टॉपिक होता है वो है मिनरल्स और आयंस इन ब्लड प्लाज्मा, तब ये पढ़ा गया सिर्फ
2 से 3% होंगे। बेसिकली है कौन कौन से मिनरल्स, कैल्शियम आयन्स, पोटेशियम आयन्स, सोडियम आयन्स, बाइकार्बोनेट आयन्स और फॉस्फेट आयन्स, क्लोराइड वगैरह भी हैं। बेसिकली आप कुछ स्पेसिफिक ध्यान रखिएगा, जैसे एक मैं सबसे इंपॉर्टेंटली अगर बोल दूं कैल्शियम आयन का रोल, अगर विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन बात कर रहे हैं आप या विद रिस्पेक्ट टू बात कर रहे हैं आप एनिमल, तो कैल्शियम आयन के रोल में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, एक तो इसका रोल होता है इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन में। इसके अलावा इसका एक और रोल जाएंगे आप देखने तो आपको मिलेगा कि कैल्शियम आयन का एक रोल और है फॉर द स्ट्रॉन्गनेस ऑफ बोन्स, बोन्स में स्ट्रॉन्गनेस के लिए ये भी प्रेजेंट होंगे इसमें भी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रोल कैल्शियम आयन का जो आप देखेंगे वो होता है सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन के दौरान। तो ये सेल डिवीजन वाला जरा टॉपिक समझ लें कि सेल डिवीजन वाले में कंडीशन क्या है, थोड़ी सी बात इसके अंदर समझ लेते हैं कि सेल डिवीजन वाले में किस तरह कैल्शियम आयन का रोल है। आपको एक बात पता है कि सेल डिवीजन के दौरान एक स्टेज आती है मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में सेल की एक मेटाफेज स्टेज आती है, क्या पढ़ते हैं उसमें आप कि जो ये सेंट्रियोल्स हैं जिन्हें आप सेंट्रियोल बुला रहे हैं, इधर भी सेंट्रियोल, ये दोनों सेंट्रियोल जो है और साथ में ये क्रोमोसोम आपने पढ़ा है अरेंज होते हैं मेटाफेजिक प्लेट पर। तो इस मेटाफेज स्टेज के दौरान ये सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर बनते हैं, फॉर्म्स स्पिंडल फाइबर्स इन मेटाफेज स्टेज, जो आके क्रोमोसोम से बाइंड करेंगे बाद में ना फेज में दूसरे से अलग होंगे। तो जो ये सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है, इस प्रोसेस को करवाने में किसका रोल होता है, कैल्शियम आयन का। क्या है इसका रोल, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, कौन सी स्टेज में, बिल्कुल सिंपली ध्यान रखेंगे इन मेटाफेज। इस स्टेज में स्पिंडल फाइबर जो है उसका सिंपली आप बोलेंगे ये पूरा पूरा आप बोल सकते हैं कैल्शियम आयन का रोल है। तो तीन रोल बेसिकली कैल्शियम आयन के अगर आप देखें प्लाज्मा वाले आपको देखने को मिलेगा एनिमल्स के अंदर, तो हमें एनिमल्स में ही ध्यान रखना है ठीक। बाकी अगर आप प्लांट में लिखते हैं तो कैल्शियम आयन रेस्पॉन्सिबल होता है एक सेल वॉल की लेयर बनाने के लिए, जिसे बोलते हैं मिडल लैमेला, और वो कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। तो ये कैल्शियम आयन्स इन प्लांट्स फॉर मिडल लैमेला फॉर्मेशन। क्या है मिडल लैमेला, मिडल लैमेला है सेल वॉल, क्या है कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। प्लांट में सेल वॉल का कंपोनेंट है किसका बना होता है, मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। तो ये रोल किसका, कैल्शियम आयन्स का, आप बेसिकली इसको कैल्शियम आयन का रोल बुला लेते हैं।
उसके बाद इसमें फिर सोडियम और पोटेशियम, तो याद ये रखना है इंपॉर्टेंटली कि सोडियम पोटेशियम आयन की बात करें तो इनका रोल नर्वस सप्लाई में, जब कंडक्शन होगा जो भी न्यूरॉन्स के थ्रू, तो उसमें सोडियम पोटेशियम का रोल होता है, हेल्प्स इन द न्यूरल और नर्वस कंडक्शन, इसके थ्रू वो भी थ्रू एक्सॉन, एक्सॉन के थ्रू। तो ये कंडक्शन आई थिंक आप जानते हैं कि आप जब किसी न्यूरॉन की बात करते हैं तो न्यूरॉन में ये रीजन होता है एक एक्सॉन, उसके अलावा ये रीजन होते हैं डेंड्राइट्स, और एक बोला जाता है फिर नर्व एंडिंग। क्या है नर्व एंडिंग? ये रीजन पूरा बीच का पोर्शन एक्सॉन, और ये रीजन बुला दिए जाते हैं डेंड्राइट्स। कई जगह इन्हें लिखा हो डेंड्रॉन्स, तो कोई कंफ्यूजन मत रखिए। तो ये आपको बोल रहा हूं मैं कि जो ये एक्सॉन पोर्शन है, इस एक्सॉन पोर्शन के थ्रू जो नर्वस कंडक्शन करवाएंगे उनमें किसका रोल है, आप उसमें सोडियम आयन्स का और पोटेशियम आयन का रोल बोल सकते हैं। उसके अलावा सोडियम आयन क्लोराइड आयन के साथ मिलकर NaCl की फॉर्म में ह्यूमन बींग्स में, या बोल दें आप एनिमल्स में, बीपी को एनहांस करने का काम करता है इन द फॉर्म ऑफ या अलोंग विद क्लोराइड आयन्स, इट इंक्रीजेस बीपी एंड फाइनली ब्लड फ्लो इन एनिमल्स। ह्यूमंस की बात हो रही है इसके अंदर, तो ये सोडियम और पोटेशियम आयन का रोल है बेसिकली, आप इसको इस तरह से बुला। तो ये इसके अंदर सोडियम और पोटेशियम आयन्स की बात की जा रही है। उसके बाद आगे चले इसके अंदर जो इंपॉर्टेंटली मैं बोल रहा हूं वो है फॉस्फेट आयन और बाइकार्बोनेट आयन। क्या है रोल ऑफ बाइकार्बोनेट एंड फॉस्फेट आयन, क्या चीज है इसके अंदर? तो आप बिल्कुल सिंपली एक बात ध्यान रखेंगे कि बाइकार्बोनेट आयन और फॉस्फेट आयन दोनों का रोल क्या होता है। मैंने आपको देखो एक चीज बताई थी, बफर, बफर सॉल्यूशन जो आप बोलते हैं, आई थिंक आप जानते हैं ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसके अंदर आप कितना भी एसिड डाल लें या कितना भी बेस डाल लें, इस सॉल्यूशन का पीएच फिक्स होता है। फिक्स पीएच विल नॉट एंड विल नॉट चेंज विद एडिशन ऑफ आइदर एसिड और बेस। एसिड या बेस कुछ भी मिलाइए, इसके पीएच पर कोई इंपैक्ट पड़ने वाला यहां पर बिल्कुल नहीं है। ये आप बोल देते हैं बफर सॉल्यूशन। तो आप दो बातें ध्यान क्या रखेंगे इसके अंदर इंपॉर्टेंटली कि बाइकार्बोनेट आयन और ये फॉस्फेट आयन के जरा रोल अगर देखे जाए तो इनको किस तरह से आप रिस्पॉन्सिबल समझ रहे हैं। बिल्कुल सीधे तौर पे समझें आप कि एक तो आपकी पूरी बॉडी, मान लीजिए पूरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बात कर रहा हूं मैं, ह्यूमन बींग ही ले ले रहा हूं मैं कि ये बॉडी हो गई। अब बॉडी जो ऑर्गेनिज्म की होती है, बॉडी ऑफ एनिमल मेनली ह्यूमन की बात हो रही है यहां पर, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं क्योंकि वी आर स्टडिंग अबाउट ह्यूमन फिजियोलॉजी। अभी यहां पे क्या होता है, पूरी बॉडी में आप दो चीजें मिलती हैं, एक तो पूरी बॉडी में सेल होंगे
न्यूक्लिएटेड है हमारे सेल, तो ये पूरी बॉडी में आपको सेल सेल दिखाई देंगे। तो ये क्या है, सेल्स ऑफ बॉडी, बॉडी के अंदर सेलों। अच्छा, जो सेल के आसपास है सारा, वो सेल एक फ्लूड में प्रेजेंट होता है, आउटसाइड उसके सारा सॉल्यूशन होता है। तो ये मैं क्या बोल रहा हूं, सॉल्यूशन इन विच सेल्स आर प्रेजेंट। जहां पर सेल्स प्रेजेंट मिलेंगे उस सॉल्यूशन को आप बोल रहे हैं आउटसाइड सॉल्यूशन। तो मैं बोल सकता हूं कि ये सेल के अंदर की बात हो गई और ये इसके बाहर, ये सारा सेल के बाहर। तो मैं कई बार इसके अंदर वर्ड यूज कर सकता हूं कि जो सेल के बाहर का सॉल्यूशन है उसे मैं बुला रहा हूं एक्स्ट्रा सेलुलर, और जो सेल के अंदर की बात हो रही है उसे मैं बोल सकता हूं इंट्रा सेलुलर। इसमें कोई डाउट नहीं किसी। अब याद क्या रखना है, देखो सेल के बाहर पीएच मेंटेन होना चाहिए, जो उसके पास सॉल्यूशन है फिक्स पीएच होना चाहिए, और सेल के अंदर का पीएच भी मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि सेल के अंदर फिक्स पीएच होगा तभी उसके एंजाइम वगैरह प्रॉपर रेस्पिरेशन वगैरह जैसी प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं अगर फिक्स पीएच रहा तो। तो आप क्या बोल रहे हैं, इसमें याद क्या रखना है, इसके रोल में, अब इन दोनों के, इन दोनों का रोल इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है कि बाइकार्बोनेट आयन, और उसके बाद जो है आप अगर बात करते हैं कि बाइकार्बोनेट आयन और दूसरा मैं बोल रहा हूं फॉस्फेट आयन, तो सिर्फ इतना याद रखिएगा जो ये है बाइकार्बोनेट आयन और दूसरा जो है फॉस्फेट आयन, इन दोनों पर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और आता है। देखिए, जो सेल के अंदर प्रेजेंट होगा और सेल के अंदर बफर की तरह काम करेगा और सेल के अंदर का पीएच मेंटेन करेगा जिससे सेल के अंदर सारे एंजाइम प्रॉपरली वर्क कर सकें, तो उसे बोल देते हैं इंट्रा सेलुलर बफर। और जो सेल के बाहर पीएच मेंटेन करेगा जिससे वहां का पीएच भी मेंटेन हो, बाहर सेल के एक फिक्स सॉल्यूशन हो, तो ये काम करेगा बाइकार्बोनेट आयन, तो इसे बुलाते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर बफर। नाम क्या है, इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर बफर, और इसको बुला लिया जाता है इंट्रा सेलुलर बफर के नाम से। क्यों ऐसे नाम दिए जा रहे हैं, तो इसका बिल्कुल सिंपल रीजन आप समझते हैं, इसके अंदर बिल्कुल सिंपली समझ में आना चाहिए आपको, वो क्या है कि इन्हें ऐसे नाम से क्यों बुलाया जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, सेल के बाहर जो पीएच मेंटेन रखेगा पूरे सॉल्यूशन का वो एक्स्ट्रा सेलुलर, बिकॉज इट मेंटेन्स पीएच आउटसाइड सेल, और फॉस्फेट आयन इट विल मेंटेन पीएच इनसाइड सेल। पीएच अगर सेल के अंदर मेंटेन हुआ then all the enzymes inside cell will work properly, अपना proper काम कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं ये reason, तो question क्या रखना है, extracellular buffer कौन है, intracellular buffer कौन है, दोनों में आपको ये fixed चीज पता होनी चाहिए। इट इज अबाउट आयंस की अगर बात करें कि प्लाज्मा के आयंस का क्या रोल है, तो बेसिकली आप उसको यहां तक ये बात ध्यान रख सकते हैं। इट इज टोटली अबाउट ब्लड प्लाज्मा।